दीप कमल जी आप ही बताइए, बन गई है क्या बात? 4 अगस्त 10:10। देखिए कुलदीप बिश्नोई ऐसे नेता हैं जिनकी बात कब बन रही है और किससे बन रही है इसके बारे में वो ही बता सकते हैं और उनसे पूछना आसान नहीं नहीं तो है। उन्होंने बताया तो है, चार अगस्त 10:10। हाँ मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है लेकिन कमाल की बात यह है कि 10 जून को राज्यसभा के लिए वोट पड़े थे, आज लगभग 54 दिन हो गए हैं जब उन्होंने राजनीतिक रूप से तय किया था कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के उतारे हुए उम्मीदवार अजय माकन को वोट नहीं देंगे। तय तो उससे भी पहले कर लिया था क्योंकि उदय भान जी की नियुक्ति तो मेरे ख्याल से 30 अप्रैल को हो गई थी, उस बात को तो और 4 महीने हो गए हैं। तो इतने समय से उन्होंने अपने आप को किस तरीके से रखा है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी खुलकर मीडिया से या कोई आप लोगों से किसी से भी अपने मन की बात या अपनी राजनीतिक आगे की स्थिति रखी होगी। वक्त वक्त पर वो कभी किसी से मीटिंग करते हैं, उसकी फोटो आ जाती है, कभी कोई ट्वीट आ जाता है। अब भी देख लीजिए, अब उनको परसों 4 तारीख है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में कौन सा संशय बनाए हुए हैं या वो उनके पीछे क्या इरादा है ये कुलदीप बिश्नोई ही जानते हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि पिछले 15 सालों में जब मैंने कुलदीप बिश्नोई को समझा है, देखा है, उनकी इस जो राजनीति का जो ये तरीका है कि अपने बारे में सस्पेंस बनाकर रखना और खुलकर लोगों से संवाद नहीं करना, उपलब्ध ना होना, स्पष्ट तौर पर अपनी बात ना कहना, इससे उनको और उनके परिवार की राजनीति को अक्सर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके समर्थकों में निराशा हुई है कि वो अपने नेता के बारे में स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं जान पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से ही डिस्कस किया और उसके बाद ही ये ट्वीट हुआ है।